नमस्कार द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा के साथ। आज मैं फिर लेकर आई हूं एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण और साथ में वहां के प्रत्याशियों की राजनीतिक कुंडली। आज बात करेंगे चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट। इस बार यहाँ का चुनाव रोचक होगा क्योंकि इस सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा और भाजपा के लिए यहाँ मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि बीजेपी के चंद्रभान सिंह आक्या वर्तमान में विधायक हैं। चंद्रभान सिंह आक्या बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, लेकिन बावजूद इसके पार्टी ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया। चित्तौड़गढ़ सीट से कांग्रेस ने फिर से सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को मौका दिया है और बीजेपी ने चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काटकर नरपत सिंह राजवी को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर चंद्रभान सिंह आक्या ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के 2018 के चुनाव की अगर बात करें तो 2018 के चुनाव में चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट पर 8 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ था। बीजेपी के चंद्रभान सिंह आक्या को 1,06,563 वोट मिले तो वहीं कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को 82,669 वोट मिले। चंद्रभान सिंह ने 23,894 मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी और चित्तौड़गढ़ से दो बार विधायक रह चुके सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को हार का सामना करना पड़ा था। चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो बीजेपी लगातार दो बार यहां से चुनाव जीतती आ रही है। बीजेपी के चंद्रभान ने 2013 के बाद 2018 में चुनाव में जीत हासिल की, जबकि इससे पहले 2008 के चुनाव में कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को जीत मिली थी। कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को 1998 में जीत मिली थी। आपको बता दें 1990 के चुनाव से लेकर अब तक चुनाव में 5 बार बीजेपी को जीत मिली है और इस बार चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण इस बार यहाँ के चुनाव काफी दिलचस्प होगा। यहाँ के हार और जीत का फैसला तो यहाँ की जनता ही तय करेगी। अब चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो वर्तमान में यहाँ बीजेपी का दबदबा है। यहाँ के कुल वोटर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2,70,000 के आसपास वोटर्स हैं। इस सीट पर राजपूत जाति का दबदबा है और अन्य जाति के वोटर्स भी यहाँ प्रभाव रखते हैं। बात करें कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जाड़ावत की तो उन्होंने 1998 में पहली बार चुनाव लड़ा और नरपत सिंह राजवी को हरा कर विधायक बने थे, लेकिन 2003 में वे नरपत सिंह राजवी से हार गए और 2008 में श्रीचंद्र कृपलानी को हरा कर वे फिर विधायक बने। बात करें बीजेपी प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी की तो वे पूर्व सीएम और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं। वे पूर्व मंत्री और 5 बार विधायक रहे हैं। उन्होंने पहली बार 1993 में चित्तौड़गढ़ में चुनाव लड़ा और विधायक बने, लेकिन 1998 में वे चुनाव हार गए। फिर 2003 के चुनाव में वे दोबारा विधायक चुने गए और पहली वसुंधरा राज्य सरकार में मंत्री बने। अब बात करें निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रभान सिंह आक्या की तो वे वर्तमान में बीजेपी की टिकट से चित्तौड़गढ़ से विधायक हैं। चंद्रभान सिंह आक्या चित्तौड़गढ़ से 2013 और 2018 में चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों ही बार इन्होंने जीत हासिल की, लेकिन दो बार यहां से चुनाव जीतने के बावजूद बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। इस बार चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट का चुनाव काफी दिलचस्प होगा। इस बार इस सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये तो जनता ही तय करेगी। आज बात की चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट की, अगली बार फिर मिलूंगी और एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण से आपको रूबरू करवाऊंगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।